नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फी के चैनल में। चर्चा करेंगे ऐसे पांच स्टॉक्स की जो कि मुझे बहुत यहाँ से अच्छे लग रहे हैं और आने वाले टाइम में अच्छे आपको क्या कहते हैं मल्टी रिटर्न्स बना के दे सकते हैं। जैसे 5x 6x इस हिसाब से, जैसे आपने मान लीजिए 10,000 रुपया लगाया और आप 4 से 5 साल तक या मिनिमम 3 साल तक भी होल्ड करते हैं तो ये 10,000 आपके कम से कम 50,000 रुपये बने। इस प्रकार के स्टॉक मैं आपके सामने लेके आया हूँ, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं, स्टॉक्स को भी रिकमेंडेशन शुरू करते हैं। उससे पहले मैं बता दूँ, जो मिशन 2030 का जो मैंने ऑफर दिया हुआ था वो मैं आज के लिए और दे रहा हूँ, क्योंकि मैंने दो लोगों को दिया है, ठीक है, दो लोगों को और दे दिया है। तो कह रहे हमें पता नहीं लगा ये सब वगैरह वगैरह, तो इट इज स्टिल वैलिड फॉर बस आज के लिए ही 7,500 में आप आज भी ज्वाइन कर सकते हैं अगर चाहते हैं तो, अदरवाइज कोई इशू नहीं है। आज के लिए वैलिड ऑफर, अभी 6 बज गए, रात को 12 बजे तक अगर आप मुझे मैसेज करते हैं टेलीग्राम पे यू विल गेट दिस ऑफर, क्योंकि मैंने दो लोगों को दे दिया है और जिसको चाहिए प्लीज कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा। चलिए आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं, स्टॉक्स की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला जो स्टॉक है दोस्तों जो मैं आपके लिए लेके आया हूँ वो है एल्गी इक्विपमेंट, ठीक है। एल्गी इक्विपमेंट इज ए कंपनी जो कि सप्लाइंग करती है, मैन्युफैक्चरिंग करती है किसकी, एयर कंप्रेसर्स की एंड ऑटोमोटिव इक्विपमेंट्स की। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है एयर कंप्रेसर की, तो आपको पता ही है बड़े बड़े उसमें आपका ये लगता है। और आरओसी कंपनी के आप देखेंगे तो 18.6%, आरओई देखेंगे तो 17.6%। कंपनी ने अच्छा बिजनेस किया है, पी थोड़ी सी ऊपर है 62.7 की। करंट प्राइस 428 का है, 464 का हाई है, 191 का लो है पिछले अगर आप 1 साल की बात करें तो रडार पे रखिए, कोई भी करेक्शन आता है तो आप इसे बाय कर सकते हैं। जैसे ही स्टॉक आपको 400 के नीचे मिले बिंदास बाय कीजिए, यहाँ पे भी आप बाय कर सकते हैं, बट स्टॉक थोड़ा सा महंगा है, बट अच्छा स्टॉक है, बढ़िया स्टॉक है ये। इसका प्राइस मैं आपको मिनिमम 1,000 रुपये जाता हुआ देख रहा हूँ 1 से 2 साल, ठीक है। और लॉन्ग टर्म अगर आप होल्ड करते हैं तो 2,000 से भी ऊपर आपको इस स्टॉक का प्राइस मिल सकता है। अगला स्टॉक है दोस्तों टारसन प्रोडक्ट, ये मैं पहले भी रिकमेंड कर चुका हूँ। डिजाइनिंग डेवलपमेंट मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केटिंग, जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इक्विपमेंट यूज होते हैं, जो टूल्स यूज होते हैं उसके मैन्युफैक्चरिंग में ये कंपनी है। एकेडमिक इंस्टीट्यूट में वो चीज़ें यूज होती हैं, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में जो चीज़ें यूज होती हैं, फार्मास्यूटिकल कंपनीज में जो रिसर्च और कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, डायग्नोस्टिक में जो चीज़ें यूज होती हैं, उस जितनी भी चीज़ें हैं, ठीक है, लैब वेयर की जो भी प्रोडक्ट बनते हैं वो ये कंपनी उसकी प्रोविजनिंग से लेके मैन्युफैक्चरिंग से लेके सब में शामिल है। और यहाँ पे आपके मुंह के अंदर पानी आ जाएगा, 35.3% की रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, 27.4% की रिटर्न ऑन इक्विटी, मात्र 4,000 करोड़ की कंपनी है, स्मॉल कैप कंपनी, ठीक है, स्मॉल कैप कंपनी है। करंट प्राइस 771 है, आई 929 का है, 539 का, और 600 के आसपास मैंने इसको रिकमेंड किया था, याद होगा आपको। फिलहाल भी बाय कर सकते हैं आप, 50 के अंदर भी है और करेक्शन होता है तो डेफिनेटली बाय कीजिए। ये है इसका प्राइस 3,000 से ऊपर है मेरा टारगेट, ठीक है, बाय करिए, बहुत जबरदस्त स्टॉक है। अगला स्टॉक है दोस्तों इंडोको रेमेडीज, ये देखिए 360 रुपए का करंट प्राइस है, 3,000 की मार्केट कैपिटलाइजेशन है। उसमें सारी स्मॉल कैप कंपनी आपके सामने रिकमेंड करूँ, ठीक है, क्योंकि ये बिजनेस ग्रो करने वाले, पैसा इन्हीं में बनने वाला है, ठीक है। फार्मास्यूटिकल कंपनी है दोस्तों, एक 518 का कंपनी का हाई है, तो अच्छी खासी स्टॉक की पी है 21.7, तो आप इसमें बाय करिए। रिटर्न ऑन इक्विटी 18.5%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो है 22.9%, बढ़िया रिजल्ट भी आए हैं इस कंपनी के और काफी केपेक्स के इसमें प्लान भी है, तो ये भैया बाय करिए, इसमें स्टैंप है अपनी, ठीक है, इंडिगो रेमेडीज में अच्छा स्टॉक है। अगला स्टॉक दोस्तों बहुत ही उम्दा, मैं पहले भी आप लोग के साथ डिस्कस कर चुका हूँ, 36.6%, 29.3%, वाह जी वाह, और RHIM इस नाम से मिलेगा आपको ये स्टॉक, RHIM। करंट प्राइस 533, स्टॉक की पी 28.6%, मार्केट कैपिटलाइजेशन 8,500 करोड़ के लगभग। और कंपनी करती क्या है, जो ये एक अपने आप में मोनोपोली टाइप का इसका काम है, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केटिंग स्पेशल रीफैक्टरी प्रोडक्ट्स, ठीक है, सिस्टम्स एंड सर्विस इज टू द स्टील इंडस्ट्री इन इंडिया। और भैया स्टील की खपत इंडिया के अंदर नेक्स्ट
10 to 20 years बहुत बढ़ने वाली है एंड हैज ए मैनी ग्लोबल कस्टमर फॉर इट्स इंटरनेशनल क्वालिटी प्रोडक्ट्स। बाय कीजिए, बहुत उम्दा स्टॉक है, ग्रोथ इंटैक्ट है, ठीक है, ग्रोथ इंटैक्ट है। इसका टारगेट भी 2000 प्लस है लॉन्ग टर्म में, फिलहाल 533 के आसपास मिल रहा है और सस्ता है, स्टॉक की पी कोई खास ज्यादा महंगी नहीं है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपने लास्ट स्टॉक की तरफ, ये है रामा स्टील एंड ट्यूब कंपनी, फिलहाल 514 के आसपास स्टॉक का प्राइस है। स्टील पाइप्स, ट्यूब बनाती है, रिजिड पीवीसी पाइप बनाती है, जीआई पाइप बनाती है और अच्छे रिजल्ट हैं कंपनी के, आप क्वार्टरली रिजल्ट वगैरह खोल के देख सकते हैं, एनुअल रिजल्ट वगैरह खोल के देख सकते हैं, किसी भी कंपनी के खोल के देख लीजिए जो मैंने पांचों में रिकमेंड करी, ठीक है। रिटर्न ऑन इक्विटी 24.1%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 20.8%, स्टॉक की पी 35 है, मतलब वैल्यूएशन जो है, स्टॉक की वैल्यूएशन जो है बाय करने लायक है। इनफैक्ट आपको जो गिरावट भी मिले, इन पांचों स्टॉक में नीचे गिरावट मिले, आप आराम से बाय कर सकते हैं। अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से पांच स्टॉक है, 20-20 के ईच लगा दीजिए, 1,00,000 रुपए का आपका इन्वेस्टमेंट है और ये 1,00,000 आपका 5,00,000 रुपया बन सकता है 4 से 5 साल अगर आप होल्ड करके चलते हैं, क्योंकि कंपनीज ऐसी हैं 4x 5x पे नहीं रुकने वाली है, और भी ऊपर जाएंगे, ठीक है। और 2030 तक अगर आप रख लेते हैं तो पूछिए मत, ठीक है। और आपको हैंड होल्डिंग चाहिए, प्रॉपर हैंड होल्डिंग चाहिए, क्योंकि ये स्टॉक्स हम बाय कर चुके हैं, नीचे भी बाय कर चुके हैं, वीडियो बनाने में टाइम लगता है, तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं, मिशन 2030 को ज्वाइन कर सकते हैं, एक जेन्युइन इनिशिएटिव है, कोई इसमें ऐसा कुछ नहीं है ऐसा लग गया वो लग गया, वेल्थ क्रिएशन का हमारा एम है बाय 2030। हम जो भी बाइंग करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए बाय करते हैं, और ऐसी मेरी पर्सनल रिसर्च जो रहती है, स्टॉक रिकमेंडेशन रहती है, मैं वहां पे ग्रुप में सजेस्ट करता रहता हूं, हम लोग बाइंग भी करते रहते हैं, तो आप जुड़ सकते हैं। फिलहाल आज के लिए ही प्राइसेस 7,500 रुपये, अदरवाइज इसकी फी 15,000 रखी हुई है मैंने, क्योंकि 9 साल का वादा है दोस्तों, 2022 चल रहा है 2030 दिसंबर तक, लोग तो ट्रेडिंग के ले लेते हैं 7,500 एक एक महीने के, ठीक है, मैं 9 साल की हैंड होल्डिंग के 7,500 बोल रहा हूँ, ये लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है, मिस मत करिएगा अगर आपको पैसा बनाना है तो। चलिए, थैंक यू वेरी मच।